प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति में सह खातेदार बनाने का फैसला किया है। इसके लिए मंत्रिमंडल द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह समिति महिलाओं को स्वामित्व देने के लिए सुझाव देगी। प्रदेश कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि इस समिति के सुझावों के बाद महिलाओं को संपत्ति के अधिकार मिलेंगे। राज्य के अंदर महिलाएं बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी ये उनके संज्ञान में आया कि वो जब लोन के लिए जाती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि राज्य के अंदर जो भूमि इत्यादि है वो पति के नाम रहती है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम एक मंत्रिपरिषद की कमेटी बनाकर, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होंगे, राधा रतूड़ी जी सदस्य होंगे, लो सेक्रेटरी सदस्य होंगे, सुशील कुमार सदस्य होंगे, और यह निर्णय लिया गया कि आप तत्काल ये व्यवस्था करिए कि जो हमारी महिलाएं हैं वो सह खातेदार कैसे बने और कैसे उनको लोन की क्लियरिटी हो जाए। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस पीएसी दलनायक एवं प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली 2020 में भी संशोधन करने का फैसला किया गया है। नियमावली में भर्ती की कार्यवाही राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत की जाएगी। नियमावली में महिलाओं को अलग से पदोन्नति की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारी एक पीएससी में जो आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक, दल नायक, प्रतिसार निरीक्षक, इनकी नियमावली थी, ये क्या था 2018 में नियमावली बनी थी। 2018 से पहले इनका एक झगड़ा था कि कौन सीनियर कैसे होगा, वो कैसे करेंगे, इस संबंध में नियमावली नहीं थी। आज वो नियमावली में संशोधन करके ओके कर दिया। कैबिनेट के अन्य फैसलों में अल्मोड़ा में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन आवंटित की है। इसके अलावा उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2020 को भी मंजूरी दी गई है। जो हमारी आवास नीति थी 2018 में आए थे, उस नीति में एक परेशानी आई थी कि जब वो हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने पूरी की पूरी राज्य में एक बैन लगा दिया था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे हम किसी भी रूप में उपयोग में नहीं ला सकते। फिर इसके लिए हमने 2020 में एक नियमावली लाए हम लोग, और इसके लिए एक नियमावली बना के हमने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आज हम उसी जो नियमावली 2018 में थी इसमें हम संशोधन लेकर आए हैं। कैबिनेट के अन्य फैसलों में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत छात्रों को नकद पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्टाफ नर्स की भी भर्ती प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से होगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खोले जाएंगे।